कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करे अपने एम्स नौसिट प्रेपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज से क्या मीनिंग है कि हमारी एक अभी स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रही है हम RNCC के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो RNCC की ऐप। वहाँ पे अभी हम 150 टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अभी जो एम्स के अकॉर्डिंग पेपर बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, जिसके अंदर डेली MCQ अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सोल्व करवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक टेस्ट मॉर्निंग में होता है, लाइव होता है, दूसरा टेस्ट इवनिंग में सेम डे लाइव होता है, ठीक है। दो टेस्ट पर डे लाइव टेस्ट होते हैं और बाकी के 50 टेस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने को मिलेंगे। वहाँ पे प्राइस भी हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे हमारे टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर सकता है। इससे पहले हमने SGPGI PGI के लिए RML के लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट्स का। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ सेशन रहेगा। क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सभी एम्स एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए MCQ हैं, वही MCQ हम यहाँ पे सोल्व करवाते हैं। कोई भी रैंडम MCQ हम यहाँ पे सोल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक तो आपके एम्स का एग्जाम ही लग रहा है, दूसरा एम्स अपना जो टॉपिक रहेगा वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। लाइक क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे कि आपका साथ साथ में रिविजन भी होता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अपना फर्स्ट MCQ है, वॉट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 hours आफ्टर एडमिशन ऑफ द क्लाइंट विद थ्रम्बोटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। आपके पास में एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट उसको वहां पे देखने को मिला है, मतलब उसको क्या हो गया है, स्ट्रोक, ठीक है, उसको क्या हो गया है, स्ट्रोक। अब आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, ठीक है, असेसमेंट करना है। फर्स्ट 24 hours में आप क्या असेसमेंट करोगे एडमिशन के, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को आप असेस करोगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को असेस करोगे पेशेंट का, इकोकार्डियोग्राम करोगे या फिर उसके बॉवल मूवमेंट देखोगे, ठीक है। स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास में आया है, स्ट्रोक भी कैसा है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के बाद में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, उसके बाद में स्ट्रोक डेवलप हो गया। अपना क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर, तो देखिए स्ट्रोक क्या होता है, अपन थोड़ा इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक क्या होता है, काफी MCQ बनते हैं इस टॉपिक से। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक मींस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डेफिसिट ड्यू टू वास्कुलर कॉज या फिर इन्फ्राक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस डिफिसिट हो जाते हैं पर्सन में। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, वेस्कुलर कॉज, वेस्कुलर कॉज का क्या मतलब हो गया, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब। अपन एकदम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर, जितना इजी हो सकता है उतना इजी होगा, क्योंकि आपको थ्योरी वहाँ पे लिखनी नहीं है, आपके MCQ आएंगे वहाँ पे, तो मतलब टॉपिक क्या है समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ का जो एरिया है वो उसमें क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, इस्केमिक हो गया है, तो उसको हमने क्या कह दिया, इन्फ्राक्ट, ठीक है। ये हो गया क्या, सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट। अब देखिए ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने के भी दो टाइप है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप टू। अब देखिए ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने के दो टाइप, उसके अंदर फर्स्ट क्या है, इस्केमिक, दूसरा क्या है, हेमरेजिक, ठीक है। इस्केमिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया है, या तो कोई एम्बोलाई फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाई स्ट्रोक। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक के अंदर देखने को मिलता है। या फिर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, थ्रम्बस, जैसा आपको MCQ में पूछा है, थ्रम्बोटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। या फिर क्या अपने को देखने को मिल सकता है, थर्ड वन, लेक्यूनर स्ट्रोक, ओके। अब देखिए
हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको क्या देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे कोई ट्रोमा की कंडीशन के बाद में अगर स्ट्रोक डेवलप हो रहा है तो वो किसको हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आईसीएच। आईसीएच का क्या मतलब होता है, इंट्रा सेरेब्लर हेमरेज। ठीक है, हेमरेज। दूसरा क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, एसडीएच। एसडीएच क्या होता है, सब ड्यूरल हेमरेज। और नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है, एसएएच। एसएएच में क्या आता है, सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, तो ये कुछ अपने जो टाइप्स है शोक के। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इस्चेमिक शोक एंड हेमरेजिक शोक। इस्चेमिक शोक यहाँ पे इसके अंदर सबसे कॉमन कौन सा होता है, एम्बोला स्ट्रोक। तो एम्बोला स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। अपने अब स्ट्रोक से आपको पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले कि इस्चेमिक स्ट्रोक ज्यादा होता है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, इस्चेमिक स्ट्रोक। क्योंकि ये 85% तक जो है वो अफेक्ट करता है पर्सन को, और ये 15% तक जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या, एक पेशेंट आया 24 आवर्स का आफ्टर एडमिशन, यहाँ पे थ्रोम्बोटिक वेस्कुलर एक्सीडेंट उसको देखने को मिला है, तो आपका क्या असेसमेंट रहेगा, प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगा, अपना प्यूपिल साइज को और प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे असेस करेंगे। क्यों करेंगे हम प्यूपिल साइज को अपन क्यों असेस करते हैं, क्योंकि तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं किसको, क्रेनियल नर्व्स कितनी यहाँ पे अफेक्ट हुई है स्ट्रोक की वजह से। तो प्यूपिल का अगर मूवमेंट वगैरह करवाना है तो उसमें कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है, ओक्यूलो मोटार नर्व। कौन सी नर्व होती है, थर्ड नंबर नर्व, ओक्यूलो मोटार नर्व। तो एक तो यहाँ पे ओक्यूलो मोटार नर्व का पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरा प्यूपिल रेस्पॉन्स से और अपन क्या पता लगा सकते हैं, ब्रेन स्टीम के, ब्रेन स्टीम की कंडीशंस का भी अपन पता लगा सकते हैं प्यूपिल्स के रेस्पॉन्स से। ठीक है, ब्रेन स्टीम से अपन क्या कर सकते हैं, सेरेबेलम का अपन पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी का बैलेंस भी अपन देख सकते हैं, भाई अगर उसको पीपल्स का अगर रेस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा नहीं आएगा तो उसको बॉडी का बैलेंस भी वो ढंग से नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब ढंग से वो देख ही नहीं पाएगा तो बैलेंस कैसे बना पाएगा। ठीक है, इसलिए अपना पीपल रेस्पॉन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पेशेंट मैनेज होने के बाद में, पेशेंट स्टेबल होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, इकोकार्डियम ग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बोवेल लेवल यहाँ पे, बोवेल साउंड वगैरह यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पे ये चीजें हैं। बोवेल साउंड तब इम्पोर्टेंट होता है जब यहाँ पे कोई स्पाइनल इंजरी वगैरह देखने को मिली है, तो वहाँ पे बोवेल साउंड, बोवेल जो मूवमेंट वगैरह है वो डिस्टर्ब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इससे एमसीक्यू क्या बनता है, फर्स्ट एमसीक्यू तो ये बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, किसका अगर फॉर्मेशन हो रहा है, एम्बोलाई का। तो एम्बोलाई का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन सी कंडीशन के अंदर, अपने हार्ट प्रॉब्लम के अंदर एम्बोलाई का फॉर्मेशन होता है जिसको आगे जाके स्ट्रोक बन सकता है, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन अगर किसी पेशेंट को हो तो वो आगे जाके स्ट्रोक की कंडीशन कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर अपन ने फर्स्ट क्या डिस्कस किया था, ईडीएच, इसको हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के अंदर मोस्ट कॉमन जो वेसल्स यहाँ पे रेप्चर होती है, मोस्ट कॉमन आर्टरी यहाँ पे रेप्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। एमसीक्यू बना हुआ है इससे, एक पेशेंट है जिसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पे कौन सी वेसल्स की यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को मिलती है यहाँ पे, या फिर उसके अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, फिर वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसकी, तो कौन सी आर्टरी है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू पूछा था, ये एमएमए करके ये ऑप्शन में आया था, उसमें करेक्ट क्या माना अपन ने, एमएमए। और जब कभी आप किसी पेशेंट की जिसको क्या हुआ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हुआ है उस और उसकी आपने क्या करवाई हो, सीटी स्कैन करवाई हो, तो वहाँ पे सीटी स्कैन में आपको ब्रेन के अंदर कैसा देखने को मिलेगा, ब्रेन में आपको इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये किसी भी साइड में हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में हो रहा है, मतलब ड्यूरामीटर से भी अपर की साइड में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सब ड्यूरल नहीं है, सब ड्यूरल सब देखो
यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ। ये हमारी क्या है, ब्रेन की लेयर है, ठीक है। इस ये कौन सी है, EDH, ये कौन सी है, SDH, एंड ये कौन सी है, SAH, सब अरेक्नोइड हेमरेज की बात करेंगे, ठीक है। EDH होगा तो कहाँ होगा, ये क्या है, ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर से ऊपर क्या होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरा, मतलब एपिड्यूरल, नीचे क्या होगा, सब ड्यूरल। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरामीटर से अपर की साइड में यहाँ पे क्या रहती है, MMA आर्टरी, उसका रेप्चर हो जाता है। अब बात करेंगे जब हम सब ड्यूरल हेमरेज की बात करेंगे, तो इसके बीच के जगह के अंदर यहाँ पे हेमरेज होगा, तो यहाँ पे भी दूसरी आर्टरी आएगी, उसको मैं आपको बताऊंगा। और इसके नीचे क्या रहता है, SAH एरिया, सब अरेक्नोइड स्पेस उसको वो रहता है, अगर वहाँ पे हेमरेज होता है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे जब हम CT करवाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको CT में देखने को मिलेगी। तो इससे भी एक बार निमहांस के अंदर MCQ बनाया था, ठीक है। निमहांस के अंदर क्या MCQ बना था कि ये CT के अंदर आपको किस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो लेंटिकुलर और बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। लेंटिकुलर और बाइकॉन्वेक्स यहाँ पे CT के अंदर हमें ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे सीन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज से रिगार्डिंग MCQ। सेकेंड टाइप कौन सा होता है, सब ड्यूरल हेमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, SDH। तो देखिए सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर क्या यहाँ पे रेप्चर होता है, एमिसरी वेंस। ठीक है, एमिसरी वेंस, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग वेंस। तो सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर रेप्चर होने वाली वेसल्स का नाम क्या है, एमिसरी वेंस या फिर ब्रीजिंग वेंस। अब यहाँ पे भी जब हम CT स्कैन करवाते हैं पर्सन को, ठीक है, CT के लिए भेजेंगे, जब कि कोई भी ब्रेन इंजरी का पेशेंट आता है, CT MRI उनके लिए रिकमेंड होती है डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हो रहा है, तो ड्यूरामीटर के नीचे की साइड में होगा, तो यहाँ पे जो है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी SDH में। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, सेमी सेमी लूनार और क्रिसेंट शेप, ठीक है। क्रिसेंट शेप यहाँ पे रिंग बन जाती है, ठीक है। क्रिसेंट शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, MCQ यहाँ से भी आ सकता है। और MCQ यहाँ पे वेंस कौन सी रेप्चर होती है, मोस्ट कॉमन वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी और वेंस हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन रेप्चर ये होता है। इसके बाद में अपन फोर्थ वन की बात करते हैं, SAH की। सब अरेक्नोइड हेमरेज, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए बेरी एनिरिज्म में यहाँ पे क्या हो जाता है, रेप्चर हो जाता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि SAH के अंदर कौन सा एनिरिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो बेरी एनिरिज्म में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सर्कल ऑफ विलस के अंदर यहाँ पे जो है वो अपने डिस्टर्ब देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो इंजरी के साथ में यहाँ पे सर्कल ऑफ विलस के यहाँ पे जो रेप्चर देखने को मिल सकता है, यहीं पे अपना क्या होता है, बेरी एनिरिज्म होता है। और यहीं पे क्या अपने फॉर्मेशन क्या अपना रहता है, CSF। तो जब कभी भी SAH वाले पेशेंट में अपन जब आप लंबर पंक्चर करते हो, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, रेड CSF। ध्यान में रखना, MCQ आगे बन सकता है कि जब SAH वाले पेशेंट के अंदर अगर आप लंबर पंक्चर करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, रेड CSF आपको देखने को मिलेगा। अब हम ये तो हो गए हमारे क्या टाइप। अब टाइप के अगर और अपन आगे बात करें, तो एक होता है लेफ्ट CVA, लेफ्ट सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, एक होता है राइट CVA। तो देखिए लेफ्ट सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस, ठीक है। मेमोरी लॉस यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में अगर होता है, तो क्या देखने को मिलेगा, मेमोरी लॉस एंड राइट साइड उस पेशेंट का क्या रहेगा, पैरालिसिस। क्योंकि देखिए अपना ये ब्रेन का डोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट अपना ब्रेन डोमिनेंट पार्ट है, तो उसका जैसे सपोज अगर कोई पर्सन है वो लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, तो उसका डोमिनेंट पार्ट कौन सा हो गया, राइट, मतलब अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो इस प्रकार से अगर लेफ्ट में सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको राइट साइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, या फिर हेमिप्लेजिया देखने को मिल सकता है।
इसके बाद में और क्या सिम्टम आएंगे, स्लो परफॉर्मेंस, इसके बाद में विजुअल फील्ड डेफिसिट, विजुअल यहाँ पे जो है वो विजुअल फील्ड जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से विजन नहीं बनेगा उसका, ठीक है, इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो मैथमेटिक प्रॉब्लम करने में यहाँ पे उसको प्रॉब्लम रहेगी। तो राइट साइड के अंदर पैरालिसिस होता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू इससे बना हुआ है। अब जब बात करते हैं अपने लेफ्ट राइट सेरेब्रोवास्कुलर अटैक होगा तो क्या होगा, वही सेम लेफ्ट साइड पैरालिसिस, और क्या देखने को मिल सकता है, स्पीच प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पीच प्रॉब्लम से एमसीक्यू बनता है। अगर एक पेशेंट है उसके अंदर स्पीच प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है तो वो उसमें मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे उसका सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट साइड में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है उस पेशेंट के अंदर, इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, वो जजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे उस पेशेंट की चली गई है और लेफ्ट साइड बॉडी के अंदर पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जब कभी भी आपके पास में एक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का पेशेंट आता है तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि अर्लीस्ट यहाँ पे इंटरवेंशन क्या रहता है, तो वो क्या रहेगा, FAST, ठीक है। फास्ट का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। एफ का मतलब क्या होता है, आपको पेशेंट की फेशियल वीकनेस को आपको असेस करना है, ए से आपको देखना है आर्म वीकनेस देखना है उसके, नेक्स्ट एच से आपको क्या देखना है, स्पीच प्रॉब्लम देखना है उसका। ये अर्ली डायग्नोसिस है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाले पेशेंट का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट टी से आपको क्या देखना है, टाइम, कि वो ओरिएंटेड है कि नहीं है टाइम प्लेस पर्सन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फास्ट असेसमेंट करना रहता है उस पेशेंट का, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन, क्या अगर किसी पेशेंट का पैराइटल लोब के अंदर क्या हो गया है, सीवीए हो गया है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, या फिर इचेमिक यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, तो अगर आप पैराइटल लोब की ब्लड सप्लाई वगैरह अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एकेलकुलिया, मतलब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम यहाँ पे उस पेशेंट को हो जाएगी। इसके बाद में एग्नेपिया, तो एग्नेपिया के अंदर क्या होता है, जो राइटिंग टेस्ट, जो राइटिंग टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको नहीं समझ पाता तो मुझे क्या हो गया, एग्नोफिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, अगर पैराइटल लोब के अंदर हुआ तो क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, ग्लोबल एपहासिया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर इस पेशेंट के अंदर टेम्पोरल लोब के अंदर सीवीए अगर हुआ है तो क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं इसके अंदर, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इससे भी। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, इसके बाद में एंटीग्रेड यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एमनेशिया देखने को मिल सकता है, डेजा वू एंड जेमी वू, यहाँ पे जो है वो दो आपके साइकेटिक प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकते हैं। डेजा वू का क्या मतलब होता है, अनफेमिलियर सीम्स फेमिलियर, एंड जेमी सेवू क्या, इसके अंदर क्या होता है, फेमिलियर सीम्स अनफेमिलियर, ठीक है। साइकेटिक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसे रिलेटेड, तो ये इन दोनों का मीनिंग एम्स में पूछा गया है, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें तो अगर फ्रंटल लोब के अंदर प्रॉब्लम हो, फ्रंटल लोब के अंदर सीवीए हो, तो क्या पेशेंट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एग्रेसिव, पेशेंट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एक पेशेंट है उसको सीवीए हुआ है और उसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हुई है तो कौन सा लोब डिस्टर्ब होगा, एमसीक्यू बना हुआ है, कौन सा लोब डिस्टर्ब होगा, फ्रंटल लोब, एबुलिया,
अबूलिया हो जाएगा। अबूलिया का क्या मीनिंग हो गया? लैक ऑफ डिजायर टू स्पीक, वो बोलने का मन नहीं करेगा इसका, पेशेंट का क्या हो जाएगा? एबुलिया यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकती है। एपैथी हो जाएगी, लैक ऑफ सेल्फ केयर। अभी अपन साइन एंड सिम्टम की ही इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप सभी को पता है अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर सीवीए हो गया तो क्या देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, पेलिनोप्सिया। तो देखिए पेलिनोप्सिया क्या होता है, निमहांस के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था ये, पेलिनोप्सिया क्या होता है? तो पेलिनोप्सिया मीनिंग क्या होता है? परजिस्टेंस ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिसअपीयर। मतलब क्या हो गया, एक पेशेंट को यहाँ पे सबसे पहले कोई इमेज दिखाई गई, इमेज दिखाने के बाद में वो पेशेंट को फिर भी वो इमेज दिख रही है, जबकि हमने वो क्या कर दिया, इमेज को वहां सामने से हटा दिया, बट फिर भी उसके ब्रेन के अंदर वो इमेज बनी हुई है, उसको वो इमेज शो हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेलिनोप्सिया। ठीक है, निमांस के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था, क्योंकि निमांस जैसे न्यूरोसाइकेटिक पेशेंट्स के लिए रहता है, तो वहां पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक अपना इस टॉपिक का क्या है? ट्रीटमेंट। आप ट्रीट कैसे करोगे? तो ट्रीट करने के लिए आप क्या दोगे? अगर थ्रम्बोस फॉर्मेशन हुआ है तो आप क्या दे दो? थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी दे दो। तो थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी के अंदर क्या आ जाएगा? टीपीए, मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को आप दे दो, बट इसको थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी को आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें रहेगा? हेमरेजिक स्ट्रोक में। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है। यहाँ पे फ्लूड वॉल्यूम को यहाँ पे मेंटेन करके रखो पेशेंट का, प्रिवेंट इंजरी, क्योंकि यहाँ पे डिसोरियंट रहता है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इनको आप प्रायोरिटी देखते हुए अपने को यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो टिश्यू प्लाजन एक्टिवेटर के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? एटीप्लेज, रेटिप्लेज एंड एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट टॉपिक सोल्व कर लिया हमने, किसके बारे में? सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक की कंडीशन के बारे में। ठीक है, अपना आंसर क्या हो गया? प्यूपिल प्यूपिल साइज एंड प्यूपिल प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को अपन करेक्ट मानेंगे इस एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अब ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। एक पेशेंट है, उसको क्या हो गया है? बीपीएच हो गया है। द नर्सेज मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट वुड बी। अब नर्स का मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन क्या है? डिस्टेंडेड ऑफ द लोअर एब्डोमेन का डिस्टेंशन होना, यूरेथ्रल डिस्चार्ज वहां पे देखने को मिलेगा, फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टू द री ग्रोइंग, आपको फ्लैंक पेन होगा वो ग्रोइंग एरिया के साइड में रेडिएट होगा, या फिर क्या होगा? पेरिनियल एडिमा देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? देखिए नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है अपना? बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया से आप क्या समझते हो? एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन इनटू आउटफ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के आउटफ्लो में क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है सर की, यहाँ पे क्या हो, मतलब जो पेशेंट है, मतलब मेल पेशेंट में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो मेल पेशेंट में क्या हो गया है? प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है? एज। ठीक है, एज यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल,
टेस्टोस्टेरोन लेवल का यहाँ पे बढ़ जाना उससे हो सकता है, या फिर इंक्रीज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को हम किसमें डायग्नोसिस में काम में लेते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 से 4 नैनोग्राम पर एमएल, ये एमसीक्यू पूछा गया है आपसे, ध्यान में रखना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का नॉर्मल लेवल कितना रहता है। नेक्स्ट अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड वाले पेशेंट में जब कभी भी एनलार्जमेंट होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है। फर्स्ट साइन सिम्टम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यूरिन की जो स्ट्रीम रहेगी वो यहाँ पे क्या कैसे देखने को मिलेगी, लो देखने को मिलेगी, जो हम किससे मेजर कर सकते हैं, मेजर बाय यूरोफ्लोमीटर। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोफ्लोमीटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूरिन की स्ट्रीम को अपन यहाँ पे असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ड्रिपिंग ऑफ यूरिन। ड्रिपिंग ऑफ यूरिन से एमसीक्यू क्या आता है, ये क्या है इसका, लेट साइन है, एमसीक्यू बनता है अगर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया तो लेट साइन में क्या आएगा, ड्रिपिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिस्यूरिया, पेनफुल यहाँ पे यूरिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर लोअर एब्डोमन के अंदर। नेक्स्ट हेमीचूरिया भी देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो यूरोफ्लोमीटर से अपन टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जब हम ये टेस्ट करेंगे तो इसका स्ट्रीम का यहाँ पे फ्लो कितना रहता है, 30 ml/s। ठीक है, 30 ml/s रखता है, बट BPH वाले पेशेंट में 30 ml से गिर के कितना हो जाता है, 50 ml/s यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, BPH वाले पेशेंट में। अब देखिए इसके बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की, ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते, जो आते हैं अपन इसको डिस्कस कर लिया है। अब ट्रीटमेंट से एमसीक्यू बनता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में एमसीक्यू बनता है, बहुत बार एमसीक्यू बना हुआ है। तो ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर क्या आता है, प्राइजोसिन। ठीक है, प्राइजोसिन क्या करती है, ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट होने की वजह से ये क्या करती है, स्मूथ मसल रिलैक्स करेगी या फिर डायलेट करेगी, तो क्या होगा, यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गेरी फ्लो डी। ठीक है, गेरी फ्लो डी भी हम दे सकते हैं, ये क्या करती है, डिक्रीज प्रोस्टेटिक साइज। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज है उसको डी से डिक्रीज, डी से गेरी डिक्रीज प्रोस्टेटिक साइज। ठीक है, गेरी फ्लो डी क्या करेगी, प्रोस्टेटिक ग्लैंड की साइज को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बताता हूं मैं आपको, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्कॉर्पियन बाइट। ठीक है, अगर किसी ने स्कॉर्पियन बाइट किसी को हुआ है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, प्राजोसिन। ठीक है, जो ड्रग ऑफ चॉइस बीपीएच की होती है वही स्कॉर्पियन बाइट के अंदर भी ये अपना ड्रग ऑफ चॉइस का ही काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि स्कॉर्पियन बाइट की वजह से बॉडी में क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ये क्या करती है, प्राजोसिन वेजो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड वेजो डायलेटर का काम करती है। इसकी वजह से यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, तो डेथ से प्रिवेंट हो सकता है पेशेंट, ध्यान में रखना एमसीक्यू बन सकता है इससे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एड टू द क्लाइंट्स केयर प्लान व्हेन मॉनिटरिंग द इंसिजनल ब्लीडिंग आफ्टर सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। एक पेशेंट है जिसका सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर दी गई है, अब यहाँ पे अपन कौन सा इंटरवेंशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा एक क्लाइंट के लिए, तो उसके अंदर क्या किया गया है, मॉनिटर करने में इंसिजनल ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही नहीं हो रही उसको मॉनिटर करने के लिए अपन क्या करेंगे।
ऑब्जर्व द साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक अपन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, अपना बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो क्या लीड करेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक को लीड कर देगा, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, असेस फॉर डंपनेस एट द बैक ऑफ द क्लाइंट्स नेक। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स की नेक पे आपको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डंपनेस जैसा आपको कुछ फील होगा, ठीक है। रिमूव द ड्रेसिंग टू डायरेक्टली इंस्पेक्ट द बाउंड। आप ड्रेसिंग को रिमूव कर दो डायरेक्ट, आप क्या करने के लिए, बाउंड को इन्फेक्ट जो आप चेक करने के लिए। नेक्स्ट, वेयर ऑल गोज ड्रेसिंग बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग। आपको क्या करना है, वो गोज ड्रेसिंग को आपको वेट को मेजरमेंट करना है। तो देखिए अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नर्स को क्या करना है, ग्लव्स पहनने, स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, फिर जहाँ पे वो ड्रेसिंग हो रखी होती है, ठीक है, उस वहाँ पे आपको नेक के पोस्टीरियर साइड में आपको क्या करना है, असेस करना है। वहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, जो ड्रेसिंग में क्या देखने को मिलेगा, आपको डैम्पनेस आपको फील होगा वहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि जो भी इंसिडेंस यहाँ पे जगह सपोज इंसिडेंस लगाया गया है, तो जो भी इंसिडेंस से जो भी ड्रेनेज वगैरह आया होगा, तो वो वहाँ पे ग्रेविटी के साथ में उसके पेशेंट के बिहाइंड द नेक यहाँ पे आके अटैच वहाँ पे ऊज हो गया होगा, शो कर लिया होगा इस ड्रेसिंग ने, तो यहाँ पे आपको उसको पता लगा सकते हो पेशेंट का, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे कि टॉन्सिलेक्टोमी की गई है और उसके अंदर आपको ब्लीडिंग का पता लगाना है, तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद ब्लीडिंग का पता कैसे लगाओगे, अगर वो पेशेंट क्या करे, स्वेलो, स्वेलो भी कैसी, रिक्रेंट, बार बार स्वेलोविंग कर रहा है, मतलब अपने को पता लगाना है कि उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तभी वो स्वेलो कर रहा है, नहीं तो वो क्यों करेगा, ठीक है। तो ये टॉन्सिलेक्टोमी में अलग क्वेश्चन बन जाता है, और थायरॉयडेक्टोमी है इसी का क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन दोनों ही सेम है, बस थोड़ा यहाँ से मॉडिफाई कर दिया ऑर्गन के, अपन उसमें टॉन्सिल रिमूव करते हैं, इसमें थायरॉइड रिमूव कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा अलग। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल कॉज ऑल एक्सेप्ट। जब हम ज्यादा ब्लड लगाते हैं किसी पेशेंट के, तो वो सारे नीचे देखे ऑप्शन में सभी को कॉज करता है, एक को छोड़ के। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल कॉज ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है आपसे, ध्यान में रखना ऑप्शन क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोथर्मिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जब हम कभी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब क्या नहीं होता है। तो देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या नहीं होता है, हाइपर कैल्सीमिया जो है वो नहीं देखने में मिलता है। आप ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, एक्सेप्ट पूछा है, तो हाइपर कैल्सीमिया कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज सिट्रेट ओवरलोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिट्रेट ब्लड के अंदर सिट्रेट अपन मिक्स करते हैं, तो जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सिट्रेट का लेवल भी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और डिक्रीज करता है क्या, कैल्शियम को, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियम हमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, हाइपोमैग्नीशेमिया देखने को मिलेगा। अब ये क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू सिट्रेट ओवरलोड, ठीक है। सिट्रेट यहाँ पे मैग्नीशियम के भी अमाउंट को कम करता है और कैल्शियम के अमाउंट को भी कम करके रखता है, ठीक है। और दूसरा ब्लड वगैरह अपन जब कभी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर मैग्नीशियम भी क्या होता है, मैग्नीशियम का अमाउंट भी क्या रहता है, पुअर रहता है या फिर डिक्रीज रहता है। जब हम ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नीशियम जब है ही पहले से कम, तो वो और कम यहाँ पे ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हाइपरकैलेमिया इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट कॉमन एमसीक्यू पूछा जाता है ब्लड से रिलेटेड हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों होता है ब्लड के अंदर, ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन, क्या समझ सकते हो उससे, हीमोलाइसिस, ठीक है। अब हीमोलाइसिस क्यों होता है, अगर ब्लड का लंबे टाइम तक स्टोरेशन करके रखते हैं तब क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम। तो जब सेल यहाँ पे डिस्टर्ब होगी तो ब्लड के अंदर पोटेशियम ब्लड के अंदर आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल को बढ़ा के रखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपरकैलेमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर
अपन पुराना कोई ब्लड वगैरह लंबे टाइम तक स्टोरेशन करके रखते हैं तो अपन कुछ चलाते हैं उसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होकर हाइपरकैलेमिया को कोज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोकैलेमिया भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं कि आरबीसी में री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। बट क्या बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, तो हाइपरकैल्सीमिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बाकी के तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, तीनों चीजें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू पढ़ा होगा, जब कभी भी हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, एल्कलोसिस। क्यों होता है एल्कलोसिस, ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर पोटेशियम क्या करता है यहाँ पे बढ़ा के एसिडिटी, यहाँ पे मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ पे बढ़ा के रख सकता है। बट अपन जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होता है, एल्कलोसिस होने की संभावना यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना दूसरा, मैसिव यहाँ पे एल्कलोसिस होने के चांसेस में क्या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, सिट्रेट। क्योंकि सिट्रेट होता है, सिट्रेट बाइकार्बोनेट नेचर का होता है, तो यहाँ पे सिट्रेट की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, एल्कलोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, लंबर पंचर डन इन ए पेशेंट विथ राइज्ड आईसीपी। एक पेशेंट है जिसको इंक्रीज आईसीपी था और उसको क्या कर दिया, लंबर पंचर कर दिया। द पेशेंट डाइड सडनली ऑन द टेबल, इसकी वजह से क्या हो गया, पेशेंट डाइड हो गया सडनली। द कोज ऑफ द डेथ इज मोस्ट लाइकली टू बी, अब इस कोज मतलब इसकी डेथ का कोज क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है कि लंबर पंक्चर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट किसमें होता है, इंक्रीज आईसीपी के अंदर। जब कभी आईसीपी बढ़ा हुआ रहता है तो लंबर पंक्चर नहीं करना होता है। अब जैसे ये पेशेंट डेथ हो गया, अब क्यों हुआ, एमसीए हेमरेज, मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर हेमरेज हो गया, या फिर टेंटोरियल हर्नियशन, टेंटोरियल रीजन के अंदर हर्निया हो गया, रेप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म के अंदर रेप्चर हो गया, या फिर लॉस ऑफ सीएसएफ किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, टेंटोरियल हर्नियेशन, यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे जो है वो हर्निया बन जाता है यहाँ पे टेंटोरियम रीजन के अंदर ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन का जो है वो प्रेशर इतना ज़्यादा राइज होता है कि पेशेंट की जो सडन यहाँ पे डेथ भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली कोज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कौन सी कंडीशन है वो क्या करेगी, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर सकती है। प्रियर इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए स्टेफालोकोकस विद द पास्ट 10 to 14 days, यहाँ पे क्या हो गया, पहले उसको प्रीवियस में इन्फेक्शन था इसके साथ में स्टेफालोकोकस और इसके साथ में, जब कब, 10 से 14 दिन पहले, और अब उसको क्या हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, ए कंजनाइटल कंडीशन लीडिंग टू रीनल डिस्फंक्शन, ये एक कंजनाइटल कंडीशन की वजह से होता है जो रीनल डिस्फंक्शन को कोज कर सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ग्लोमेरुले में, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रीवियस के अंदर उस पेशेंट को स्टेफालोकोकस ओरियस के साथ में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो वो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आगे जाके डेवलप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द ओटिनर्स इज वेल ओरिएंटेड दैट द एक्टिवेटेड साइडेक्स ओपीए सोल्यूशन कैन बी रीयूज अप टू, ठीक है। जब हम कभी भी साइडेक्स के सोल्यूशन को बनाते हैं तो उसको हम कितने टाइम तक रीयूज कर सकते हैं, एक बार साइडेक्स का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में कितने टाइम तक उसको
रीयूज किया जा सकता है 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या फिर 28 डेज तक। ठीक है, तो इसको जो है हम कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, 14 डेज तक। तो 14 डेज तक जो है वह एक बार साइड एक्स प्रिपेयर करने के बाद में 14 डेज तक हम इसको यूज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसको स्टोर कहाँ करके रखते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं साइड एक्स को। ठीक है, इसके बाद में साइड एक्स के अंदर होता क्या है, साइड एक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, 0.55% ऑर्थो पैथेल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो पैथेल्डिहाइड यहाँ पे साइड एक्स के अंदर देखने को मिलता है। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोप को और जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, अपन क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर अपन दूरबीन से अपन सर्जरी करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे होल किए जाते हैं स्टमक रीजन के अंदर, और वहाँ से अपन जो हमारे से लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काफ़ी लेंथ के अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे उसका पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से क्या होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो इसके अंदर एक तो हम एंडोस्कोप को कर सकते हैं, दूसरा हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे साइड एक्स के अंदर डाल के अपन इसको स्टेराइल करने के लिए अपन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज डायग्नोज टू हैव फ्लूड एंड एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। एक पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको क्या डायग्नोज किया गया है, उसके लंग्स में क्या हो गया, फ्लूड एंड एयर यहाँ पे प्रेजेंट है। वॉट इज द अबोव मैंशनड कंडीशन इज नॉन एज। अब ये कंडीशन को कहते क्या है, फ्लूड एंड एयर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, हिमोथोरिक्स, हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स, हिमो न्यूमोथोरिक्स या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये क्या है, हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स। हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स मीन्स हाइड्रो मीन्स फ्लूड एंड एयर, न्यूमो मीन्स एयर। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे टर्म बन गई, हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स में हो रहा है, तो मतलब हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। अपन ने आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, स्ट्रोक हमने सोल्व किया एंड बीपीएस भी हमने पढ़ा, इनके इंपॉर्टेंट ड्रग देखी, इनके इंपॉर्टेंट टाइप्स वगैरह हमने सोल्व किए हैं। तो कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारा स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर हम टोटल डेली हम 2 टेस्ट लाइव रखते हैं, उसके अंदर एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, बाकी के हम 50 टेस्ट जो है अपन नॉट सेट के प्रिपरेशन के लिए हमने छोड़ा, जिसके अंदर 200 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको उसका एक प्रॉपर चार्टिंग भी मिल जाएगा, आपको डे बाई डे आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करके आना है, किस प्रकार से क्या यहाँ पे टेस्ट में देखने को मिलेगा। जब आप आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आरएनसीसी के ऐप पर जाओगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास के अंदर जो कि कल होगी।